सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ डिमॉर्गन थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं। मैं डिमॉर्गन थ्योरम को और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं आज उसका कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि cos थीटा, ये प्रूव करना है cos थीटा plus i sin थीटा divided by sin थीटा plus i cos थीटा to the power 4 is equal to cos n थीटा plus i sin i sin n थीटा। तो कैसे प्रूव करते हैं चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा plus i sin थीटा divided by sin थीटा plus i cos थीटा और टू द पावर 8। आप डिमॉर्गन थ्योरम में जानते हैं कि cos थीटा plus i sin थीटा अगर रहे और इस पूरे का पावर n रहे तो वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है cos n थीटा plus i sin n थीटा हो जाता है। तो यहां पर ये cos plus i sin तो है और यहां पर जो है वो साइन प्लस आई कॉस है, जबकि होना क्या चाहिए कॉस प्लस आई साइन। तो इसको भी कॉस प्लस आई साइन के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे जरा देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए ये ऊपर का भी पावर 4 हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 और नीचे का भी पावर 4 हो जाएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिमॉर्गन थ्योरम से एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 4 थीटा plus i sin 4 थीटा और नीचे हम लोग देखते हैं ये cos plus i sin में नहीं है तो इसको कैसे लाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इस i cos थीटा को पहले लिख जाते हैं और इसको लिखते हैं माइनस i स्क्वायर sin थीटा। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, ये खुद माइनस है तो मिलकर के ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा और इस पूरे का पावर 4 है तो यहां पर हो गया कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा और डिवाइडेड बाय आई कॉमन ले लीजिए, इस दोनों से आई कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बच रहा है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इस पूरे का पावर 4। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ऊपर जो का थ्योरम रखिए cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा और नीचे i का भी पावर 4 होगा तो i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और फिर इसका भी पावर 4 हो जाएगा cos 4 cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर 4। अगर यहां पर माइनस में रहे तो डिमॉर्गन थ्योरम से ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जो का त्यों रखते हैं और नीचे ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा और यहां पर ये cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा रहने देते हैं और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं यही रिजल्ट आएगा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। अब फिर ये दोनों सेम चीज है तो सेम चीज है cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा का पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और फिर डिमॉर्गन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा हो गया और यही राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुछ सवाल हो सकता है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कुछ सवाल को, तो मैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
1 plus cos theta plus sin sin theta divided by 1 plus cos theta minus sin sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. चलिए देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं. हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है 1 plus cos theta plus I sin theta और डिवाइडेड बाय 1 plus cos theta minus I sin theta और इस पूरे का पावर n. इसको लाना है cos n theta plus I sin theta. मतलब ये होना चाहिए इस फॉर्म में cos theta plus I sin theta to the power n. फिर ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा. तो ये n तो है ही, यहाँ पर पूरा की जगह क्या आना चाहिए cos theta plus I sin theta. तो ये पूरा cos theta plus I sin theta कैसे लाएंगे इसके बारे में देखिए. हम लोग 1 को लिखते हैं cos square theta plus sin square theta. cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो का क्यों रखिए cos theta plus I sin theta और divided by 1 plus cos theta minus I sin theta और ये पूरे का पावर n रहने दीजिए. अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं. cos square theta तो है ही, इसको हम लोग ले जाते हैं प्लस के बदले माइनस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, खुद माइनस है, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. इसको एक ब्रैकेट में रखिए और यहाँ पर ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रखिए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा और ये पूरे का पावर n है वो रहने दीजिए. अब ये फॉर्मूला में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में फैक्टराइज कर दीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और यहाँ पर जो का क्यों रखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये जो का क्यों और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इस पूरे का पावर ए. अब क्या करते हैं हम लोग ये दोनों से आप देखिए cos theta plus i sin theta दोनों में तो दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं. cos theta plus i sin theta हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ये पूरा कॉमन आ गया तो बचा cos theta minus i sin theta और यहाँ क्या बच रहा है ये पूरा कॉमन ले चुके हैं तो 1 बच रहा है और डिवाइडेड बाय जरा ध्यान दीजिए ये पावर n रहने देते हैं. ये पावर n जो है पूरे का वो रहने देते हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं. इसको पहले लिख जाते हैं cos theta minus i sin theta और 1 को बाद में लिख जाते हैं. ऐसा हम लोग क्यों किए ताकि ऊपर और नीचे वाला सेम है ये कैंसिल हो जाएगा तो बच रहा है ये cos theta plus i sin theta और टू द पावर n. ये cos theta plus i sin theta और उसका पावर n बच रहा है. अब द्विभाजक थ्योरम से ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos n theta plus i sin n theta और यही RHS था राइट हैंड साइड यही था. तो यही कंप्लीट प्रूफ हो गया. फिर चलिए अब हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन. देखिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं कि प्रूव दैट 1 plus cos 2 theta plus i sin 2 theta to the power n plus 1 plus cos 2 theta minus i sin theta sin 2 theta to the power n is equal to proof करना है 2 to the power n plus 1 cos theta to the power n into cos n theta. तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं देखिए. हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड 1 plus cos 2 theta plus i sin 2 theta और पूरे का पावर n है. यहाँ पर भी ये 1 plus cos 2 theta minus i sin 2 theta और इस पूरे का पावर n. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1 plus cos 2 theta. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos square theta और फिर sin 2 theta का भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin theta into cos theta और इस पूरे का पावर n. यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे 1 plus cos 2 theta का फॉर्मूला 2 cos square theta और sin 2 theta का फॉर्मूला 2 sin theta into cos theta लिखते हैं और इसका पावर n. अब देखिए आप ये दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है 2 cos theta कॉमन आ रहा है तो 2 cos theta कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पर बच रहा है cos theta और यहाँ पर 2 cos theta कॉमन लेने के बाद i sin theta और इस पूरे का पावर n.
यहां पर भी वही काम हम लोग करेंगे, 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बच रहा है cos थीटा माइनस i sin थीटा, और यहां पर इस पूरे का पावर n। अब देखिएगा 2 का भी पावर n होगा, cos थीटा का भी पावर n होगा, और यहां पर इसका भी पावर n होगा। तो डिमॉर्गन थ्योरम से अगर हम लोग इसका पावर n करें तो क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos n थीटा plus i sin n थीटा, और यही काम यहां पर भी हम लोग करते हैं। तो 2 का भी पावर n होगा, cos थीटा का भी पावर n होगा, और जब इसका पावर n करेंगे तो डिमॉर्गन थ्योरम से प्लस है या माइनस है एंगल मल्टीप्लाई होता है cos n थीटा minus i sin n थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 का पावर n cos थीटा टू द पावर n कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है यहां पर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, और यहां पर बच रहा है cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। आप देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर n cos थीटा टू द पावर n, और cos n थीटा प्लस cos n थीटा 2 cos n थीटा हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 का पावर n दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का पावर n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर n plus 1 होगा, और ये cos थीटा टू द पावर n जो करके रहने दीजिए, और फिर यहां पर है cos n थीटा। तो आप देखिए यही राइट हैंड साइड का यही प्रूफ हो गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि प्रूव दैट 1 plus i root 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस i रूट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 cos n pi by 3 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस i रूट 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस i रूट 3 टू द पावर n। अब देखिए इसको cos प्लस i sin में हम लोग बदल देते हैं, इसको भी cos माइनस i sin में बदल देते हैं, क्योंकि जो लाना है वो cos में लाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमॉर्गन थ्योरम का सवाल है, डिमॉर्गन थ्योरम यूज करना है तो cos प्लस i sin होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 1 by 2 plus i root 3 by 2। यहाँ पर भी हम लोग 2 से पावर n लाने दीजिए, और 2 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 1 by 2 माइनस आई रूट 3 बाई 2, और इस पूरे का पावर n कर दीजिए। ये 2 का भी पावर n होगा, और आप इसको cos में लिखिए, cos में हम लोग लिख सकते हैं cos pi by 3, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 by 2 होता है, और प्लस आई रूट 3 by 2 को लिखिए sin 60 डिग्री sin pi by 3, इसका वैल्यू रूट 3 by 2 होता है, और इसका भी पावर n होगा। यहाँ पर भी 2 का पावर n तो होगा ही, और यहाँ पर 1 by 2 को cos में लिखते हैं cos pi by 3 माइनस i, और रूट 3 by 2 को लिखते हैं sin pi by 3, और इस पूरे का पावर n है। अब डिमॉर्गन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, दोनों से 2 टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, और डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके लिखिए कि cos plus i sin के फॉर्म में रहे इसका पावर n रहे तो n जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos n pi by 3 plus i sin n pi by 3। तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना आया, और सेकेंड पार्ट में 2 टू द पावर n कॉमन ले चुके हैं। यहाँ भी डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं, cos n pi by 3 माइनस i sin n pi by 3 हो जाएगा, और क्योंकि एंगल में मल्टीप्लाई हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस i sin n pi by 3 और ये प्लस i sin n pi by 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, cos n pi by 3 plus cos n pi by 3 2 cos n pi by 3 हो जाएगा, और 2 और 2 का पावर n दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर n plus 1 cos n pi by 3 हो गया। तो यही RHS है, यही राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूफ हो गया इसका। आप देख लीजिए राइट हैंड साइड यही था, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कि obtain the quadratic equation having four its roots, the nth power of the roots of this equation। हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट इस इक्वेशन के रूट का nth पावर। आप जानते हैं अगर किसी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। अब हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है फॉर इट्स रूट्स द nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, इस इक्वेशन का जो रूट होगा उसका nth पावर। सपोज कीजिए इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, इसका nth पावर कर देंगे तो ये अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n हो जाएगा। इसका रूट हम लोग अल्फा बीटा मान रहे हैं उसका nth पावर कर देना है, तो उसका nth पावर करने पर ये आएगा। अब इसी को रूट मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, यही रूट होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स ये है अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल लेना पड़ेगा, फिर उसका nth पावर करना पड़ेगा, फिर उसका सम निकालना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसको पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू माइनस b, तो माइनस 2 cos थीटा, b के जगह मतलब x का कोएफिशिएंट माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह 1 है और c के जगह भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a के जगह यहां पर 1 है। तो यहां पर आ गया माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 1 और यहां पर 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लिए तो माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये माइनस 2 cos थीटा रहने दीजिए, प्लस माइनस भी रहने देते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये माइनस cos थीटा हो गया और प्लस माइनस आई sin थीटा, तो ये दो रूट निकल गया। एक रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए लेट अल्फा इक्वल टू एक रूट हम लोग माइनस cos थीटा प्लस आई sin थीटा को अल्फा मान ले रहे हैं, यहां पर आया माइनस cos थीटा प्लस माइनस आई sin थीटा, तो ये माइनस cos थीटा प्लस आई sin थीटा को अल्फा मान रहे हैं और बीटा हम लोग नेगेटिव वाला को मान रहे हैं, एंड बीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस आई sin थीटा। अब दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा माइनस आई sin थीटा हो जाएगा, और यहां पर बीटा इक्वल टू हो जाएगा, भी माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस 1 तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा हो जाएगा। अब इसका पावर n कर दीजिए तो अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का पावर n होगा, और जब इसका पावर n करेंगे तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा, और बीटा टू द पावर n करेंगे तो माइनस 1 का भी पावर n होगा यहां पर, और जब इसका पावर n करेंगे तो वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा हो जाएगा। अब दोनों का सम कर देते हैं, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो देखिए दोनों का सम करेंगे तो दोनों के सम में माइनस 1 का पावर n कॉमन आ जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos n थीटा, तो यहां पर आ गया 2 माइनस 1 का पावर n cos n थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 का पावर n और माइनस 1 का पावर n, माइनस 1 का पावर 2n हो जाएगा, और ये a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब माइनस b स्क्वायर मीन्स i स्क्वायर sin स्क्वायर n थीटा,
और माइनस वन का पावर टू एन, ये टू एन जो है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस वन का जब इवन पावर करेंगे तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर एन थीटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, ये खुद माइनस है, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा, और साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू वन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन इनटू एक्स प्लस अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं समझा चुका हूं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट इस इक्वेशन के रूट का nth पावर है, तो इस इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा, उसका nth पावर कर दिए अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन। अब यही रूट मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला आएगा। अब हम लोग वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू निकाल के रखे हुए पुट कर दीजिए, देखिए टू इंटू माइनस वन का पावर एन इंटू कॉस एन थीटा है, और इंटू एक्स यहाँ पर लिख जाते हैं, और अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा इंटू बीटा टू द पावर एन का वैल्यू भी निकाल के रखे हुए हैं, ये वन है इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस वन का पावर एन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्लस माइनस वन का पावर एन प्लस वन इंटू टू कॉस एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ टू एक्स कॉस एन थीटा और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर हो गया। तो ये मैं आज कुछ डिमाबस थ्योरम का कुछ क्वेश्चन मैं बताया हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या कमी रह गई या क्या क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और आप कुछ क्वेश्चन भी है आपके पास तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।